बरसी अनुष्ठान पूरा हो रहा है, आ जाइए आप पहुँचे आप। नहीं, बहुत अच्छा अनुष्ठान आदरणीय आशीष जी के द्वारा, दिव्य प्रेम सेवा मिशन के द्वारा एक वर्ष का अनुष्ठान किया जा रहा है। मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज पूर्णाहुति के दिन यहाँ पर पहुँचा हूँ। भगवान से प्रार्थना की है, कल शिवरात्रि भी है, मैं सभी को महाशिवरात्रि पर्व की भी जो है सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान शिव सबके जीवन में हर प्रकार से जो है उनको सुखी रखें, निरोगी रखें, उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हमारा देश प्रदेश सब आगे बढ़े। सुरेश्वरी देवी भी गए थे, माँ से क्या कामना की? नहीं, सभी जगह एक ही कामना है कि माँ हम सब पर कृपा करें, सारे कार्य हमारे बिना विघ्न बाधा के सब संपन्न हों। उत्तराखंड के जो लोग छात्र जो फंसे हुए यूक्रेन में, उसको लाने के लिए एक अभियान पूरा चलाया गया है। आज हम लोगों ने भगवान से माँ सुरेश्वरी देवी से, भगवान महादेव से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी हमारे छात्र वहाँ से सुरक्षित आएँ। उनको लेकर हमने यहाँ पर नोडल अधिकारी बनाए हैं, जो लगातार हमारे विदेश मंत्रालय से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, हम लोग यहाँ पर लगातार संपर्क हैं, अभिभावकों से भी मैंने स्वयं भी संपर्क किया है, और लगातार जो हमारे दूतावास हैं उनसे भी संपर्क कर रहे हैं, हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी उनसे भी मैं लगातार संपर्क में हूँ, विदेश मंत्रालय के भी संपर्क में हूँ, हमारी सारी टीम लगी हुई है। हमारा प्रयास है कि सभी बच्चे हमारे सकुशल घर पहुँचे। 10 तारीख को रिजल्ट आना है, चुनाव का रिजल्ट आना है, क्या संभावनाएं देख रहे हैं पूरी? नहीं, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। अभी आपने अपने एजुकेशन के टाइम की यूनिवर्सिटी का भी याद किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़े होने की बात। हाँ हाँ, चूँकि आशीष जी का भी संबंध उस क्षेत्र से रहा है और मैं तभी से उनसे परिचित हूँ, तो इसलिए मैंने, चूँकि लंबे समय तक लखनऊ विश्वविद्यालय में विद्यार्थी जीवन मेरा वहीं बीता है, मैंने विद्यार्थी जीवन में शिक्षा वहाँ प्राप्त की है लखनऊ विश्वविद्यालय से, इसलिए यदा कदा जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो मेरे स्मरण में हमेशा विश्वविद्यालय रहता है और आज भी विश्वविद्यालय है। थैंक यू।